इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। आज के मौजू की शुरुआत इमरान प्रतापगढ़ी की ताजा नज्म के टुकड़ों से करेंगे। जब गुंबज गिरा था और जब मीनार टूटा था, सियासत की तवायफ तेरा जब मियार टूटा था, हुकूमत करने वाले का साहिब किरदार टूटा था, भरोसा उस दिन तो मेरा हजारों बार टूटा था। ये बेशर्मी का मंजर मुल्क में लाखों लोगों ने देखा था, तेरी आंखों ने देखा था, मेरी आंखों ने देखा था। बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले तमाम मुजरिमों को अदालत ने बरी किया है। भारत में क्या अब इंसाफ की विदाई हो चुकी है या होने जा रही है? अब शायद भारत के तकरीबन शहरियों के जहन में यह सवाल उठना लाजिम हुआ है, आखिर अदालतों पर भी हुकूमत का इख्तदार आ चुका है। क्या अब यह तमाम सवाल उठाना इसलिए भी लाजिम हुआ है क्योंकि भारत की तारीख में सबसे बड़ा मुकदमा जिसे कहा जाता है बाबरी मस्जिद की शहादत, भारत के तारीख का सबसे बदतरीन दिन या काला दिन कहा जाता है। और तारीखी मस्जिद को शहीद करने के बाद हजारों लोग फसादात में मारे गए, हजारों घरों को जलाया गया, कई औरतें बेवा हुई, कई बच्चे यतीम हुए। और यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि बाबरी मस्जिद को कार सेवा के नाम पर किस तरह गिराया गया, लाखों हिंदुत्ववादियों ने किस तरह एक समाज के खिलाफ भड़काऊ नारे लगाया और अडवाणी, उमा भारती, जोशी, कल्याण सिंह समेत कई लीडरों ने एक धक्का और दो बाबरी मस्जिद तोड़ दो, मंदिर वही बनाएंगे या फिर नोकीले पत्थरों को समतल करना जरूरी है जैसे बयान अटल बिहारी वाजपेयी जैसे तकरीबन वीएचपी भाजपा शिवसेना की जानिब से दिए गए और अदालत को कोई दलील नहीं मिली, यह ताज्जुब लगता है। सैकड़ों ऑडियो वीडियो है, टीवी पर भी दिखाया गया, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह साजिश थी और बाबरी मस्जिद का गिराना जुर्म है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई के फैसलों में तफावत क्यों है? मुस्लिम इदारों ने इसे नाइंसाफी कहते हुए कहा है कि अब अदालतें अक्सरियत समाज यानी बहुसंख्यकवाद की बुनियाद पर फैसले दे रही है। सीबीआई अदालत का फैसला ही इंसाफ के खिलाफ है, लिहाजा ऊपरी अदालत में अपील करने की बात सुन्नी व बोर्ड की जानिब से लिया जा रहा है। पर सवाल यही उठता है कि भारत का तारीखी मुकदमा जिसे पूरी दुनिया ने देखा, उसे यह कहा जाए कि बाबरी मस्जिद को किसी ने शहीद ही नहीं किया, गोया भारत के जमहूरियत को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कानून व्यवस्था पर भरोसा करना अब मुश्किल होता जा रहा है। प्रशांत भूषण ने इस फैसले पर कहा कि अब अदालतों में इंसाफ नहीं मिलेगा बल्कि एक झूठी तसल्ली रहेगी कि सिर्फ अदालतें मौजूद हैं जहां अब इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल है। उन्होंने आगे कहा कि इससे पहले जो राम मंदिर पर फैसला दिया गया था वो भी गलत है क्योंकि मस्जिद गिराने वालों को ही मालिक बताया गया। प्रशांत भूषण ने कहा कि भारत के मुसलमानों के सामने बड़ी चुनौतियां हैं क्योंकि इन्हें दुय्यम नागरिक बनाकर हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिश मौजूदा हुकूमत की जानिब से की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के जज रंजन गोगोई ने राम मंदिर के हक में फैसला सुनाने के बाद इन्हें राज्यसभा की रुकनियत दी गई थी। क्या फिर से जज सुरेंद्र कुमार ने बाबरी मस्जिद मुकदमे में तमाम मुजरिमों को बाइज्जत रिहा करने पर इन्हें भी कुछ ओहदा हासिल होगा? ऐसा सवाल भी अवाम की जानिब से पूछा जा रहा है। बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को शहीद किया गया। इससे पहले लाल कृष्ण आडवाणी, प्रमोद महाजन ने रथ यात्रा निकाली जिसमें हिंदू मुस्लिम नफरत के बयान किए गए। वाजा रहे कि जहां जहां रथ यात्रा गुजरी वहां तकरीबन शहरों में हिंदू मुस्लिम फसाद हुए और ना सिर्फ रथ यात्रा बल्कि तमाम वीडियोज आज भी इंटरनेट के जरिए हासिल हो सकते हैं। 850 से भी जायद गवाहों का बयान दर्ज किया गया जिसमें बाबरी मस्जिद की शहादत पर साजिशों के बयान दिए गए। कई अखबारों ने इस पर रिपोर्ट बनाई गई, किताबें लिखी गई, इसके बावजूद सीबीआई को साजिश नजर नहीं आई। आखिर बाबरी मस्जिद को गिराया किसने? बाबरी मस्जिद पर अदालत का फैसला ना कुछ मुजरिमों को बचाने का है बल्कि देश के एकता अखंडता के साथ इंसाफ का भी जनाजा उठाने का रहा। बाबरी मस्जिद की शहादत जिस दिन हुई उसी दिन कई मस्जिदों को तोड़ने की वारदातें भी हुई जिसकी रिपोर्ट भी दर्ज है पर महज कागजात पर ही दर्ज है रही। आपको यह भी सुनकर ताज्जुब होगा कि अयोध्या के कुछ लोग भी इस फैसले से खुश नहीं है। इनका कहना है कि उन्हें कैसे सजा होगी जब इन्हें जबकि हुकूमत ही इन मुजरिमों के साथ है। आगे खातून कहती है कि आज इंसाफ नहीं हुआ,
भले एक ही दिन की सजा और एक रुपया ही जुर्माना लगा दिया होता तो इंसाफ की उम्मीद आगे इस मुल्क में कर सकते थे। वैसे तो बाबरी मस्जिद सियासी मुफाद हासिल करने के लिए एक तरह से तहरीक छेड़ी गई, और उस वक्त उत्तर प्रदेश के वजीर आला कल्याण सिंह तो मरकज में पीवी नरसिंह राव थे। यकीनन इसका फायदा भाजपा संघी विचारधारा के लोगों को इख्तदार हासिल करने के लिए हुआ, पर कांग्रेस भी इसके लिए उतनी जिम्मेदार है जितनी भाजपा। जिस जिनको बोतल से बाहर निकाला गया उसके लिए तो राजीव गांधी भी जिम्मेदार है, क्योंकि इन्होंने इस मस्जिद के ताले खोले और शहीद भी नरसिंह राव की कांग्रेस हुकूमत में हुई। लेकिन यह बात भी सच है कि कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराकर भाजपा के जुर्म को सही ठहराया नहीं जा सकता। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जस्टिस लिबरहान कमीशन बिठाया गया, जिसने 17 साल बाद अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें कमीशन ने कुल 100 गवाहों के बयान दर्ज किए और अपनी रिपोर्ट में लाल कृष्ण आडवाणी, कलराज मिश्रा, मुरली मनोहर जोशी समेत दिगर 68 लोगों की दंगा फैलाने और बाबरी मस्जिद के तोड़े जाने में अहम किरदार की बात कही। भले आज अडवाणी, मिश्रा, उमा भारती, कल्याण सिंह, जोशी जैसे सभी को इन्होंने बाइज्जत बरी किया हो, पर भारत की छवि को बड़ा नुकसान हुआ है। वैसे भी भारत में अदम बर्दाश्त यानी असहिष्णुता का माहौल है। अमेरिका की एक रिपोर्ट में भारत हिंदुत्व को राष्ट्रवाद बनाया गया और दिगर मजाहिब के लोग डर खौफ के माहौल में जी रहे। बाबरी मस्जिद मामले में सभी मुजरिमों को बरी करने पर विदेशी मीडिया में काफी तंज भारतीय न्याय व्यवस्था पर की जा रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी सुर्खियां बटोरते हुए कुछ इस तरह लिखा के तारीखी मस्जिद गिराने वाले तमाम हिंदू लीडरों को भारत की अदालत ने बरी कर दिया। आगे इस अखबार ने लिखा है कि भारत में मुसलमान बतौर एक मजलूम कौम महसूस करती है 1992 में मस्जिद को हिंदू शिद्दत पसंदों ने शहीद करने के बाद। बड़े पैमाने पर फसादत हुए भारत के वजीर आजम मोदी पर तंज करते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि मोदी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते, लिहाजा इससे मुल्क के मुसलमानों में डर खौफ के माहौल में इजाफा हुआ है और लोकतंत्र के लिए खतरा है। द गार्डियन ने लिखा है कि दंगाई हिंदुओं को भारत की अदालत ने बरी कर दिया जिन पर मस्जिद गिराने का इल्जाम था। आगे गार्डियन कहता है कि भारत में यह लम्हा मजहबी तकसीम का फैसले कुन मोड़ के तौर पर लिखा जाएगा। अखबार डेली स्टार ने तो तमाम तफसीलात ही पेश किए हैं कि किस तरह से बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। लिहाजा ऐसे वक्त में जब मोदी हुकूमत हर महाज पर नाकाम व नामुराद है, इस तरह का फैसला बदनामी का बास हो सकता है। अब इस देश की जनता अवाम को सोचना है कि धर्म जात पात नफरत की आड़ में सियासी अख्तदार तो हासिल कर सकते हैं, कुछ अंधभक्तों के सीने में इसे ठंड तो पड़ सकती है, पर क्या मुल्क का संविधान, इसकी बुनियाद जो गंगा जमुनी तहजीब से वाबस्ता है, कहीं तो जरूर तार तार हुई है। तरक्की की राहें अमन, एकता, इत्तेहाद, इंसाफ से ही हमवार होती है, ना इंसाफी, जुल्म, नफरत, ज्यादती से तो बर्बादी ही हासिल हो सकती है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।